نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। बात करते हैं खामिद अपने महबूब की आशिक या माशूक की शादी अपने साथ या किसी और के साथ होते देखने की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर बआसानी मालूम कर सकें। तो ख्वाब में अपने महबूब की शादी किसी और से होते देखना। अगर साहब ख्वाब शादी में महबूब के शरीक हयात को देखे या उसे जानता है तो ये मालो दौलत पाने, मुश्किलात के दूर होने और खुशी हासिल होने की। और अगर शरीक हयात को नहीं देखा और ना ही उसे जानता है तो ये महबूब कर किसी मुसीबत के आने और परेशान होने की दलील है। इसी तरह अपने महबूब का खुद को धोखा देकर किसी से शादी करना, ये बीमार होने, इज्जतो मर्तबा से गिरने, किसी मुनाफक से वास्ता पड़ने मगर बेहतरी पाने की भी निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपने महबूब की शादी पर पागल हो या पागलों जैसी हरकतें करे तो ये रिजक में अजाफा होने और वक्कार पाने की दलील है। ख्वाब में अपने महबूब की शादी देखकर अफसरदा, परेशान या गमगीन होना, ये बीमारी, मुश्किलात दूर होने और खुशखबरी पाने की निशानी है। इसी तरह अपने महबूब आशिक या माशूक की शादी देखकर गुस्सा करना या लड़ाई झगड़ा करना, ये गुमराह होने, परेशान होने मगर बुराई से बचने और फलाह पाने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में अपने महबूब की शादी देखकर खुश हो तो ये घबराहट पाने, बीमार होने और परेशानी की दलील है। इसी तरह अपने महबूब की शादी अपने साथ होते देखना, ये मान लो दौलत बेशुमार पाने, वक्कार बुलंद होने, मुश्किलात के दूर होने और दिली मुराद पूरी होने की अलामत है। अगर कोई ख्वाब में अपने महबूब की शादी अपने साथ होते और मुबाशरत करते देखे तो ये दिनों दुनिया की नेमत पाने, फतह हासिल होने, दिली तमन्ना पूरी होने और खुशहाल होने की दलील है। इसी तरह अपने महबूब की शादी होते होते रह जाना, ये खुशी गमी साथ साथ पाने, काम अधूरे रहने और महबूब की खातर परेशान होने की निशानी है। ख्वाब में अपने महबूब की आशिक या माशूक की शादी किसी मुर्दे के साथ होते देखना। अगर साहब ख्वाब चाहे वो मर्द है या औरत, मुर्दे को जानता है तो ये रंजो गम के दूर होने और मकसद हासिल होने, वरना मुश्किलात पाने और बदनाम होने की दलील है। इसी तरह अपने महबूब की शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों को देखना, अगर अपने साथ होते हुए देखे तो ये इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, मालो दौलत पाने, मुसर्रत और शादमानी पाने और शादी होने की। और अगर किसी और के साथ शादी होते देखे तो साहबे ख्वाब जिसके साथ शादी होते देखे उसे भी देखा है तो ये मालो दौलत पाने की। और अगर शादी जिसके साथ है उसे नहीं देखा तो ये महबूब कर पर किसी आफत के आने की निशानी है। साहबे ख्वाब को चाहिए कि वो सदका खैरात करे। अगर कोई ख्वाब में अपने महबूब की शादी पर किसी मुर्दे को भी शामिल देखे तो ये मुश्किलात दूर होने, मालो दौलत में अजाफा होने और शादी होने की दलील है। हो सकता है कि आपका ख्वाब इससे कुछ मुख्तलिफ हो और अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से अपने ख्वाब की ताबीर बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।